तो भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, कैरियर तथा आर्थिक दृष्टिकोण। मकर राशि, भाग्य के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आपका बिगड़ा कार्य बनाएगा और नए कार्य का अवसर भी प्रदान करने वाला है। अपने अंदर नकारात्मक विचार आज बिल्कुल मत आने दीजिएगा। तिल का लड्डू अगर शनि मंदिर में आप चढ़ाएं तो दिन कई गुना लाभदायी बनेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, आपने आज शनि की महादशा और उसके अचूक मंत्र बताए हैं। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शनि का महामंत्र क्या होता है। आपका जन्म किसी भी लग्न में हो, शनि कितना भी विपरीत क्यों ना हो, इस मंत्र का नियमित एक माला पाठ करिए, महाकल्याण होगा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदया। बस इस मंत्र का आप पाठ करिए, आप प्रत्येक कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानेंगे ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम